बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है बेटा, एक रोटी मुझे भी दे दो। अरे आइए ना माँ जी, भला करेगा। जीता रहा बेटा, जीता रहा। अरे माँ जी लो, पेट भर के खाइए ना, एक रोटी से क्या होगा। अरे नहीं बेटा, मैं सारा खा लूंगी तो तू क्या खाएगा, मुझे तो बस एक रोटी दे दे तू। नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं सुबह घर से खा के चला था और मुझे अभी इतनी भूख भी नहीं है, आप खाइए प्लीज। बेटा मजे पानी पी। माँ जी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भिखारन है, मुझे तो आप किसी अच्छे घर से लगती हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप। माँ जी बेटा, तुमने मेरे दुख तिरथ पे हाथ रख दिया, तुम सही कह रहे हो बेटा, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे घर में भी बहुत खुशियां थी। मरी संभाली अपने आप को। दो दो बेटे, दो दो बहुएं, पोते पोतियों के होते हुए भी मैं अकेली, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, सबने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल रखा, जिन बच्चों के कारण पति से लड़ती रही झगड़ती रही, आज वही बच्चे मेरा फोन तक नहीं उठा रहे, मुझसे बात तक नहीं करना चाह रहे। आज कितना पछतावा हो रहा है मुझे, जिन बच्चों के लिए मैं अपने पति से लड़ती रही झगड़ती रही, आज वही बच्चे मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। नमस्ते माँ जी। अरे जीते रहो, खूब खुश रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे। माँ जी आपसे कितनी बार कह रखा है कि आप रोया मत कीजिए, आप क्यों रोती हो माँ जी? आपके साथ कोई हो या ना हो, मैं हूँ ना आपके साथ। तुम्हारा ही तो सहारा है, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कब की मर गई होती, कब की। नहीं माँ जी नहीं, आप ऐसे मत कहिए, मैं हूँ ना, और आपसे कितनी बार कह रखा कि आप ऐसी बातें मत कीजिए। चलिए माँ जी खाना खा लीजिए अब। अच्छा एक बात बताइए, आपने सुबह की दवाई खाई या नहीं? हाँ
खा ली, मेरी माँ खा ली, अगर नहीं खाती तो मुझे तुम्हारी डांट सुननी पड़ती, इसलिए मैंने दवाई खा ली। लीजिए खाना खाइए। पूरा जूस खत्म कीजिए। अच्छा मेरी माँ। चलिए चलिए पीजिए माँ जी, कोई बहाना नहीं, सारा खत्म कीजिए इसे। वेरी गुड। हो गया अब खुश? वेरी गुड। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो उन्होंने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया। मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो तुम मेरे लिए इतना कुछ करती है, इतना सेवा करती है मेरा। आप मेरी माँ जैसी हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा करती हूँ। और वैसे भी माँ, मेरा जो मायका है ना, वो 2 दिन और 1 रात की दूरी पर है, वहाँ तो रोज़ रोज़ जा नहीं सकती, इसीलिए आपको अपनी माँ जैसे समझकर मैं आपकी सेवा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। चलिए माँ जी, मुझे बातों में मत घुमाइए, खाना खा लीजिए। अरे बेटा अभी तो खाया, जूस भी पिला दिया तुमने एक ग्लास, अब ऐसा कर अभी रहने दे, मैं बाद में खा लूंगी पक्का। बस थोड़ा सा माँ जी। खिला खिला के मेरी जान ले लोगी क्या तुम? नहीं नहीं माँ जी, भगवान करे आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। एक तू है जिसकी मैं कुछ नहीं लगती, और एक मेरी औलाद है जिनकी मैं कोई नहीं लगती। माँ जी अब मत रोइए, नहीं तो आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। मैं ना कल मनोज को तू अपने साथ ले आना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है माँ जी, मैं इन्हें कल अपने साथ ले आऊंगी, पर क्या बात करनी है आपको इनसे? ये मैं उसी को बताऊंगी। अच्छा तो बेटा ज्यादा प्यारा हो गया माँ जी, बहू प्यारी नहीं रही क्या? अरे बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, पता नहीं ऊपर से कब बुलावा आ जाए। माँ जी फिर से वही बातें चालू कर दी ना आपने, आपको कितनी बार बोल रखा कि आप ऐसे बातें मत कीजिए। बेटी सच ही तो बोल रही हूँ, मेरा क्या है, मैं सोच रही हूँ ये मकान में तुम दोनों के नाम कर दूं, और मेरे अकाउंट में जो भी पैसे हैं वो भी तुम दोनों के नाम कर दो। नहीं माँ जी, अगर आप ऐसे बोलेंगी ना तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। क्यों, क्यों नहीं आएगी तुम मेरे यहाँ? माँ जी मैं किसी भी लालच से आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, बस इसी वजह से आ जाती हूँ आपकी सेवा करने। बेटी तू अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही है, तो ये माँ भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ करेगी ना। माँ जी आप ऐसा करके अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं करेंगी। तू मुझे मत समझा, मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, मम्मी जी और पापा जी के खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, ठीक है। और हाँ आधे घंटे बाद ना दवाई ले लेना, ठीक है? ले लूँगी मेरी माँ, ले लूँगी। जा अच्छा सुनो। हाँ जी। इसे किचन में रख देना। हाँ बिल्कुल माँ जी। कितनी अच्छी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अब से आपकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस मनोज और मैना के नाम हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू माँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके आप अपने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही हैं। क्या गलत है क्या सही वो मैं जानती हूँ, और ऐसा करने के पीछे 2 वजह है, एक तो पता नहीं मेरा बुलावा कब आ जाए, और दूसरा मैं नहीं चाहती
मेरे नालायक बच्चों के पैर इस घर पर पड़े। अच्छा मैं चलती हूँ, आपके पेपर रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। माँ जी, इन्होंने और मैंने सोचा है कि हम आपको चारों धाम की यात्रा करवाएं। हाँ माँ, आपका क्या विचार है? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। हमारी औलादें तो नालायक निकल गई, कम से कम तुम ही लोग के सहारे में तीर्थ यात्रा कर लूं। ये सब छोड़िए माँ जी, बताइए क्या खाएंगे आज आप? क्या बनाऊं आपके लिए? बेटी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना के ले आओ। जी माँ जी। बेटा, मेरे अपनों ने तो मुझे सिर्फ जख्म दिए, और उन जख्मों पे नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया तो मैं ना, और मनोज ने किया वो मैं ना, जिसे मैं अपनों से बढ़ के समझती थी, जिसे मैं बहुत भोली और मासूम समझती थी, लेकिन बेटा वो बहुत शातिर निकली, बहुत शातिर निकली वो। उन दोनों ने मुझे तीर्थ यात्रा पे भेज दिया और मेरे पीछे मेरा और अपना मकान बेच करके पता नहीं वो दोनों कहाँ है बेटा, पता नहीं। और जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आई तो मुझे पता चला मैं बहुत प्यार से ठगी गई थी बेटा, बहुत प्यार से। ना मैं रो सकती थी, ना किसी से शिकायत कर सकती थी। मेरे औलादों ने तो मुझे अपने दिलों से भी निकाल दिया। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन मैंने अपने हाथों से अपना नसीब खुद बिगाड़ लिया। तब से मैं दर दर भटक रही हूँ और भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। माँ जी, मैं इतना पैसे वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी एक माँ मिल जाएगी और उसका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। बोलो माँ, चलोगे ना मेरे साथ? बोलो ना माँ, चलोगे ना? चलो ना माँ। चलो 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 ना।